आज का बात समझने के लिए कलीसिया में कैसा शैतान की आत्मा कार्य करता है, ये बात समझने के लिए आप यीशु के लहू के द्वारा अपना दिमाग को शुद्ध करके बैठेगा तो ही आपको मालूम होगा, नहीं तो ये बातें आपके सिर के ऊपर से चले जाएगा। मैं आपको ये सच्चाई जानने के लिए कुछ घटना आपको बताता हूं। मैं जब सीएमई कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर्स पूना दापुड़ी में हमारा ट्रेनिंग हो रहा था, इंजीनियरिंग का कर रहा था मिलिट्री में, होते वक्त हमको उधर कोर्स के लिए भेजा हुआ था। उधर में 1961, 62, 63 उस समय का 1961-62 उसके बीच है, डेट पूरा मुझे असली में याद नहीं है। उस समय में टरी मीटिंग या इंदुसारी प्रार्थना के लिए टीपीएम सिलोन पेंटिकॉस्टल, उस वक्त सिलोन पेंटिकॉस्टल बोलते थे, अभी दी पेंटिकॉस्टल मिशन बोलते हैं, उधर में क्योंकि उनका शनिवार का प्रार्थना बहुत अच्छा होता है इंदुसारी प्रार्थना, मैं उसके लिए भवानी पेटा में गया, पूना का सेंट्रल फेथो, टीपीएम का बहुत बड़ा सेंट्रल फेथो में, चारों तरफ महाराष्ट्र में उनका सेवकाई बहुत है, उनका सेंट्रल फेथो टीपीएम। तो उधर जगह ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचते समय 8 बज गया, उधर 7 बजे उन लोग प्रार्थना शुरू किया था, तो 8 बजे जब मैं पहुंच गया था 8:30 बजे तक खत्म हो गया। तो उधर मैं वरांडा में बैठा था, लोग काफी थे, तो उधर में एक बहन गर जबान बोलते हुए नबूवत कर रही थी। अच्छा, उनका नबूवत करते समय मुझे थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं लगा, तो मीटिंग खत्म हो गया। फिर मैं उधर का पास्टर, 2 पास्टर थे, एक पास्टर इंग्लिश चाको, उनको चाको नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने के कारण उनको टीपीएम का एक पुराना पास्टर इंग्लिश चाको, मेरे ख्याल में वो अभी आर्या में प्रवेश किया करके मैं सोचता हूं। तो मैं आपको बता रहा था उधर उधर का पास्टर, चीफ पास्टर था इंग्लिश चाको, बुजुर्ग पास्टर था, उनके साथ जॉनसन नाम एक पास्टर भी था, 7 बहन लोग थी सेवा करने वाला, मदर के साथ 7 बहन लोग। मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद पास्टर इंग्लिश चाको से बोला, वो सिस्टर जो गैर जबान बोलकर नबूवत करती है, मैं उनके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला हम लोग होते पास्टर और सिस्टर्स और मैं रहे, बाकी लोग ना रहने से अच्छा है। उन्होंने बोला ठीक है, आपका सारा गलती वो बहन बताएगी, तैयार रहना, तुम्हारा सारा, तुम्हारे अंदर में क्या क्या गलती है, गंदगी, वो सारे बताएगी, फिर परेशान नहीं होना। मैंने बोला ठीक है, बताने दो। तो हम लोग प्रार्थना में बैठ गए, तो पास्टर, पास्टर के वो चीफ पास्टर वो सामने बैठे, मैं उसके आगे बैठे थे, तो बहन, दूसरा जॉनसन पास्टर भी बैठा हुआ है, 7 सिस्टर्स भी बैठे हुआ है, और सिस्टर का पति भी बैठे हुए। मैंने बोला उनका पति है तो पति भी बैठे। तो सिस्टर गहर जबान बोलकर अन्य नबूवत करना शुरू किया, मैं जमीन में हाथ रखकर बोला शैतान तुम्हारा असली रूप प्रकट कर। तो पास्टर इंग्लिश चाको बोला तुम कौन है, तुम क्या बोल रहा, शैतान तो असली रूप है, क्या है, शैतान है ये। पास्टर मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, पहले सबसे पहले तुम कौन है मुझे मालूम नहीं, फिर भी तुमको अनुमति ऐसा बोल रहा है। तो मैंने बोला मैं सिस्टर को, सिस्टर के लिए बोलता हूं, ये सही आत्मा प्रकट करे। उन्होंने गुस्सा करने लगा, तो तब प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, वो एक स्कूल का हेड मिस्ट्रेस थी, उनका पति ऑडिटर था उधर का, दोनों सरकारी पढ़े लिखे हैं, 40 साल से ऊपर वाला उम्र। तो मैंने पूछा क्या पति से पूछो आज शाम को प्रार्थना में आने के पहले उनको थप्पड़ मारा है, पास्टर गुस्सा हो गया, तुम कौन है क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला पति से पूछो, पति ने बोला मीटिंग में आने के पहले उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, अगर ध्यान से देखेगा तो वो निशान भी देख सकता है। तब पास्टर हैरान हो गया, वो पति बोल रहा है मुझे मीटिंग में आने के पहले उन्होंने थप्पड़ मारा है, अब ध्यान से देगा तो निशान भी देख सकता है। तो
फिर बोला, फिर मैंने बोला एक एक गलती मालूम होने के बाद बोला प्रकट हो जाओ जल्दी, या बहन साड़ी फाड़ करके आधा नंगा होकर पास्टर का धोती पकड़ने के लिए गए। तब तक बाकी सात सिस्टर्स भागे। तो मैं ठांडा और रात को करीबन 1:30 बजे तक लड़ाई लड़कर उस शक्ति को निकाला। 1:30 बज गया तो इंग्लिश चाको पास्टर मुझे बोल रहा है, पिछले 7 साल से ये आत्मा हमारा कलीसिया को चला आ रहा है। कितना बड़ा बड़ा कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन में यही नबूवत करती थी, यही पास्टरों को अगुवाही देती थी। पढ़े लिखे है टीपीएम का, सेंट्रल फेथों का हालत बता रहा हूं। 7 साल से ये शनिवार रात को हुआ, पास्टर इंग्लिश चाक को बोला मैं अभी आत्माओं को परखने का वरदान मिलने के बाद ही सेवा करूंगा, आज ही मैं जा रहा हूं, मैं मद्रास में जाकर हमारे हेडक्वार्टर फेथों में बैठ जाऊंगा। ये 7 साल ये आत्मा हमारे कलीसिया को कितना कन्वेंशन चला, किसी ने इस आत्मा को परखा नहीं, यही इधर का मुख्य ऐसा बोलकर हमको गुमराह किया। वो पास्टर एक सिंसियर पास्टर था, ईमानदार था, बुजुर्ग आदमी था। उन्होंने उसी समय अपना बिस्तरा पैक किया, अपना ट्रंक पैक किया, मेरे सामने ही जाकर रिक्शा में बैठ गया, ले जाओ मुझे पूना रेलवे स्टेशन में, मैं अभी इधर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। मेरे सामने ही वो चले गए, क्योंकि इतवार का आराधना मैं नहीं लूं। मैंने बोला भाई आराधना कर, बोलो नहीं, ये 7 साल ये आत्मा हमारा कलीसिया को गुमराह करता रहा, हमने पहचाना नहीं। मैं क्यों मैं बात बताता है, आप लोग आत्मा को परखने का वरदान नहीं पाया। पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 12:10। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। आत्माओं की परख, अगर आत्माओं को परख का वरदान आपको नहीं है तो कौन कौन अन्य भाषा बोलते है, क्या क्या बोलते है, आपको कुछ भी मालूम नहीं हो, आप बोलेगा सब ठीक है। देखिए सिलोन पेंटिकोस टीपीएम का सेंट्रल फेथों भवानी पेटा पूना का मैं बोल रहा हूं, ये कोई छुपे हुए गुप्त बात नहीं है, सीक्रेट में हुआ हुआ बात नहीं है, सबके सामने हुआ हुआ कुलम कुलम हुआ हुआ बात है। ये 7 साल ये आत्मा उस कलीसिया को चलाने से किसी ने भी उसको परखा नहीं।